राधे राधे, आज मैं आया हूँ DFO और DFO मीन्स डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स और नेशनल ब्रांड्स के आइटम्स मिलते हैं और थोड़े कम प्राइस में मिलते हैं, मीन्स यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट्स होता रहता है। सो आज बहुत दिनों के बाद, एटलीस्ट एक साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैं अंदर जाकर अभी देखता हूँ कि क्या क्या आइटम्स मुझे सस्ते से सस्ता मिल सकता है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कौन से आइटम्स पे कितना सारा डिस्काउंट है। ऊपर में धूप बहुत अच्छी आई हुई है, सो आज अच्छा लग रहा है। सो आप यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है आज, क्योंकि क्विंसलैंड में लॉकडाउन ओपन हो गया है। सिर्फ मेलबर्न विक्टोरिया में अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा स्टेट बंद किया हुआ है। बट जहाँ मैं रहता हूँ, मीन्स जिस स्टेट और जिस सिटी में मैं रहता हूँ, वहाँ पर लॉकडाउन वगैरह ओपन हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पार्क बना हुआ है। और फिर आगे चलते हैं। सो अब चलते हैं अंदर खुलजा सिमसिम या। सो यहाँ पे भी इंटरनल फूड कोर्ट है और ये पूरा DFO, एटलीस्ट 80% DFO तो COVID-19 के कारण बंद था, लेकिन अभी बहुत सारे शॉप्स में हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं। तो अभी देखता हूँ कि मैं क्या क्या यहाँ से खरीद सकता हूँ। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर। एयर डैनो, सो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आइटम्स मिल रहे हैं। यहाँ पे टी शर्ट मिल रहा है $15 का और यहाँ पे ये मिल रहे हैं $5 के, जो कि बहुत सस्ते हैं। और आगे चलते हैं तो ये भी $10 में है। तो यहाँ पर भी कुछ आइटम्स है $5 में, मीन्स $5, $10, $15 में बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अपने पसंद का कोई नहीं, तो यहाँ से निकलता हूँ और आगे चलता हूँ। अभी आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे है नाइक का शोरूम और ये नाइक के शोरूम के अंदर जाने के लिए आप देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ये लाइन छोटी दिख रही है, आपको ये दिखाता हूँ। ये जो लाइन है ये भी उसी लाइन में ऐड होगी और उसके पीछे एक और लाइन है, ये देखिए, और उसके पीछे एक और लाइन। ये सारी लाइन वो नाइक के शोरूम में ही जाएंगे और यहाँ पे शायद अंदर में ज़्यादा डिस्काउंट होगा, इसलिए सब के सब वहीं पे जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं। बट अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी लंबी लाइन लगाकर शॉपिंग करूँ, तो कभी और आ जाऊँगा या फिर थोड़े दिनों के बाद परचेस कर लूँगा जब इतनी लंबी लाइन ना हो। और आज तो सैटरडे है तो शायद भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए लॉलीस, यहाँ पे लॉलीस का बहुत क्रेज है। देखिए लॉलीस सिर्फ बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको लॉलीस पसंद है। रंग बिरंगे, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद, गुलाबी, हर टाइप के लॉलीस यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं। ये शायद आप लोगों को याद होगा मारियो गेम, बट अभी तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। हैंड सैनिटाइजर, ये अंडर आर्मर जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड है। यहाँ पे लेडीज, तो आप देख सकते हो कि जो कपड़े पहले $79 में मिल रहा था, अभी वो $34 में मिल रहा है। अगर आप दो लेते हो तो $58 में, सो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि लाइन लगाना मना है, सो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रूल फॉलो करने हैं। और इस साइड दिखाऊं तो यहाँ बाहर में बोर्ड लगा हुआ है सेल सेल सेल, बट ये सेल होने के बाद भी बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए अंदर में ज़्यादा लोगों ने भीड़ नहीं लगा रखा है। देखो यहाँ पे जो आइटम्स मिल रहा है ये $2.50, मतलब ये अपना $2.50 का है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस अगर मैं दिखाऊँ इनकी तो आपको दिखेगा ओरिजिनल प्राइस है $40 का, लेकिन अभी इनकी बहुत दिनों से बंद थी, महीनों से, तो ये बहुत कम प्राइस में सब बेच रहे हैं बाहर। ये है जैकेट और जिसकी प्राइस आपको दिखाता हूँ 59.95, अराउंड $60 की ये जैकेट आपको यहाँ पे पड़ेगी, जो कि कॉस्टली है। और कोई नहीं, और भी है यहाँ पे चीज़ें। और ये जो जीन्स हैं, जीन्स कौन सी जीन्स, ये आपको पड़ेगी $50 की जीन्स। इससे अच्छी जीन्स तो अपने इंडिया में मिल जाती है। यहाँ पे है पूमा का शोरूम और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे किचन का आइटम है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कपड़े और जूते ही मिलते हैं, यहाँ पे किचन के आइटम्स भी मिलते हैं। सो आपको मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि ये जो आपको बड़ा सा प्लेट दिखाई दे रहा है वो $15 का एक है, और यहाँ पर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देखिए राइस कुकर है, जो कि प्राइस है $215.20। और फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक है होम वेयर्स की दुकान, जहाँ पर कप भी मिलता है और उसके बाद ट्रे भी मिलती है, और यहाँ पे 50% ऑफ है इसमें। यहाँ पर है बैग का शोरूम और यहाँ पे अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे ये इन्होंने ये अपना क्लियरेंस में डाला हुआ है, मैं इनसे जो सामान बिकते नहीं उनको कम प्राइस में ये लोग बेचने के लिए बाहर रख देते हैं। सो आप देख सकते हो प्राइस वगैरह बैग की, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा। इसके साइड में है स्ट्रैंड बैग्स और इसमें भी सेल ही है। देखिए यहाँ पर 70% ऑफ है टॉमी में, और यहाँ पे सिर्फ अराउंड 30% अलाउ है। और यहाँ पे जाने के लिए देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कम से कम 15-20 लोग बाहर खड़े हैं लाइन में, और यहाँ पे एक लेडीज है जो कि काउंट करके पर्सन्स को अंदर भेज रही है कि कितने पर्सन जा रहे हैं, कितने पर्सन निकल रहे हैं। 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हर जगह पे ऐसा ही चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चॉकलेट का शोरूम, शोरूम मीन्स चॉकलेट की सबसे बड़ी दुकान, बट यहाँ पर अभी अंदर में कस्टमर ज़्यादा हैं, तो शायद ये थोड़ी देर के बाद मुझे अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए, तब तक मुझे लाइन में लगना है। तो आपको दिखाता हूँ चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स, ये देखिए चॉकलेट का बड़ा बाउल, इसकी प्राइस है ₹1 kg $50 का। और यहाँ पे देखिए कितने सारे चॉकलेट्स, इसकी प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो, स्मॉल बॉक्स, मीडियम बॉक्स, लार्ज बॉक्स, वो इस टाइप का बॉक्स मिलता है जो उस लेडीज़ के हाथ में है।
और उसकी प्राइस यहाँ पे देखिए कितने सारे चॉकलेट्स हैं। तो ये देखिए कौन सा है, अम्ब्रेला चॉकलेट्स, देखिए अम्ब्रेला के साइज में। और इधर भी और भी महंगे चॉकलेट्स हैं, कुछ सस्ते चॉकलेट्स हैं। चलते हैं बाहर। यहाँ पे बिक रही है बेल्ट 100% लेदर, अप टू 70% ऑफ, मीन जो $140 का था वो अभी $45 में मिल रहा है। और ये बेल्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैंने पिछली बार यहाँ से लिया था 1 साल पहले और वो बेल्ट अभी तक मेरा चल रहा है। तो अंदर में सारी शॉपिंग करके आ गया, एक दो चीज़ें ली, ज़्यादा मैंने ली नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद नहीं करता। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि मेरी सेविंग भी हो जाती है और मैं फालतू के खर्चे करने से भी बच जाता हूँ। सो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का लॉकडाउन कैसा है, लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए बोला गया है और कुछ टाइम तक लोगों को घर में रहने के लिए बोला गया है, बट फिर भी इतनी भीड़ है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ क्यूजलैंड में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इतनी भीड़ में, बट क्यूजलैंड में एक भी ये अपना कोरोना का केस नहीं है। और यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन, मेरे लिए एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें से, बाकी लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर अभी टाइम ना हो तो जब फ्री टाइम हो तब आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।